नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं अतुल सूदन। जेके टाइम्स ने लगातार आपको दिखाया कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से अखनूर में चोरी की छोटी मोटी घटनाएं व लूटमार की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। उसी मसले पर हमने पिछले दिनों अखनूर पुलिस से, SDPO अखनूर और SHO अखनूर से भी बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिस भी उन तमाम जो भी घटनाएं हुई हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है और उन्होंने लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं पंजाब नेशनल बैंक अखनूर के पास हूँ। वहाँ पर एक ताज़ा मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूँ कि ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक सीताराम एंड सन्स नाम से ये दुकान है। यहाँ पर दिन के समय में, बड़े हैरानी की ये बात है कि दिन के समय में ही यहाँ पर चोरों ने, कहा जा रहा है कि शीशे को तोड़कर दुकान के अंदर जो है वो सेंध लगाई है। सीधे दुकान के मालिक से बातचीत करते हैं कि आखिर ये कब का वाक्या है और पूरा मसला क्या है, इस सब के ऊपर हम इन्हीं से बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? संजय कुमार शर्मा। संजय जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दुकान में चोरी है, किस दिन का वाक्या है ये? 26 तारीख का शुक्रवार, कुछ 12:30 में मैं घर गया था रोटी खाने जी। और 1 बजे में वापस आ गया और मैंने जब आते देखा इधर शीशा टूटा हुआ था, दरवाज़ा मेरा बंद था, लॉक था, तो किसी ने शीशा तोड़ के अंदर से मेरे पास हार पड़े थे और कैश भी पड़ा था गले में, 45,000 तक था, वो सभी उठा के फिर चला गया वो। ये 26 तारीख की बात है, तो इसको आप लॉक करके? हाँ, लॉक करके जाता हूँ मैं, रोज़ाना रूटीन में जाता हूँ, रोटी खाने जाता हूँ। मेरे पिता यहाँ से घर कितनी दूर है? यहाँ से 200 मीटर दूर है। अच्छा, तो मेरे पिताजी बीमार हैं, मैंने जाना पड़ता है उनको बार बार, थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है जी, उनको दवाई देनी पड़ती है। अकेला हूँ मैं, अभी भी अकेला हूँ, वो घर में अकेले हैं जी, तो जाना पड़ता है बार बार, इसलिए बंद करके जाता हूँ। तो देखा मैंने पीछे ये ऐसा काम हो गया। क्या इसके बारे में आपने आस पड़ोस में किसी को पूछा, क्या किसी को इसके बारे में कुछ? सभी को पूछा लेकिन सभी बोल रहे हैं हमने देखा नहीं। मार्केट है, मेन रोड है, तो किसी ने देखा ही होगा लेकिन कोई बताता ही नहीं है कि देखा किसी ने। हाँ सर, आप रोज़ाना इसी समय जो है खाना खाने? रोज़ाना खाना खाने 1-1.5 बजे जाता हूँ मैं जी। तो रोज़ाना मैं कुल कितने रुपए का नुकसान आपका हुआ है? हार कितने के थे? 40,000-45,000 तक था पूरा। हाँ बिल्कुल, तो मैं आपको दिखा दूँ कि इस दुकान के अंदर जो हम विवाह शादियों में जो नोटों के हार इस्तेमाल करते हैं, ये बकायदा उस चीज़ की दुकान है। और रोज़ की तरह ये उस दिन भी यहाँ से जो है खाना खाने के लिए बिल्कुल नज़दीक में इनका घर है, 20 से 25 मिनट के लिए हाल ही गए होंगे। और बकायदा शीशे के डोर को, जो मैंने आपको पहले भी बताया, उसको लॉक किया गया था, लेकिन बावजूद उसके इन चोरों की हिम्मत देखिए कि किस तरीके से दिन दिहाड़े इन्होंने इस दुकान के अंदर सेंध लगाई है। सर, आपने इसके बारे में रिपोर्ट की है पुलिस स्टेशन? मैंने उसी समय रिपोर्ट कर दी थी जी। वो आए भी थे, पूछते हैं इधर उधर, फिर हमें पूछते हैं कि बताओ कुछ पता चला। मैं, हमें कैसे पता चलेगा, आप लोग बता सकते हो, हमें थोड़े पता चलेगा, हमें कोई बताएगा? बिल्कुल। तो आप पुलिस से क्या गुहार लगाएंगे इस बारे में? हम बोलते हैं कि थोड़ा सख्ती से आगे पीछे पूछें तो तभी तो पता चलेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो पड़ोसी होगा जिसने बताया होगा कि ये दुकान बंद है या कुछ भी है, कोई ना कोई बाहर का, ऐसे तो कोई आ नहीं सकता, कोई ना कोई तो होगा, अब हमें थोड़े कोई बताएगा। तो वाकई में बात इनकी भी सही है कि दिन दिहाड़े अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा नहीं है कि आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको बिल्कुल भी इसके बारे में मालूम ना हो। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी कार्रवाई में थोड़ी सी तेज़ी लगाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम जेके टाइम्स की तरफ से पहले भी उस दिन SDPO अखनूर के वो बयान आपको दिखा चुके हैं और हम भी अपने चैनल के माध्यम से एक बार दोबारा आप लोगों से ये गुहार लगा रहे हैं, कृपया सचेत रहें, घरों के बाहर, दुकानों के बाहर CCTV ज़रूर लगाएं, मार्केट्स में चौकीदार रात को भी रखें और दिन में अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो किसी को जिम्मेवारी देकर या लॉक लगाकर जाएं। ऐसे में जो ये घटना है जिसमें लॉक तोड़ा गया है या शीशा तोड़ के लोग अंदर आए हैं, कोशिश करेंगे इसमें पुलिस अधिकारियों की भी जो है वो बात रखी जाए और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। लेकिन वाकई में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से अखनूर में छोटी मोटी इस तरह की घटनाएँ जो आ रही थी और उसके बाद ये वाक्य पेश आना, ये गंभीरता की बात है और इसके ऊपर पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उन लोगों को पकड़ा जाए ताकि आगे होने वाली ऐसी घटनाओं से लोगों को बचाया जाए। अगर आप में से कोई भी लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं, अगर उनको कुछ भी इसके बारे में जानकारी है तो वो पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें। तब तक आप जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन अमन के साथ, जय हिंद, जय भारत।